अल्लाह, तुमने क्या कहा? मैं क्या जवाब देती? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने कहा कि इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती, मुस्कान ही दे सकती है, तो शायद वो लोग तेरी हाँ का ही इंतजार कर रहे हैं। माँ, इतना बड़ा फैसला बिना सोचे, वक्त तो चाहिए ना माँ। ठीक है बेटा, यही बात मैं उन्हें भी कह देती हूँ। हाँ चल। बिस्किट लीजिए। नहीं बेटी, थैंक्स। नहीं बस, थैंक यू। ये सब इतना अचानक हुआ कि क्या है ना, मुस्कान को थोड़ा वक्त चाहिए सोचने। जी जी, मैं समझ सकती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने के लिए, जवाब देने के लिए। जी जरूर लीजिए, ये तो पूरी जिंदगी का फैसला है, उसे इतनी जल्दबाजी में कैसे किया जा सकता है? पहली बार आकाश ने जल्दबाजी में फैसला सुनाया था, उसका नतीजा तो भुगत चुके हैं हम। मुस्कान बेटा, हमें तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। अरे माँ, आप लोग आ गए? क्या कहा मुस्कान ने? क्या वो घर पर थी? क्या रिएक्शन था उसका? अच्छा, उसकी फैमिली आप लोगों को वहाँ अचानक देखकर अपसेट तो नहीं हुई? अरे रुक रुक रुक, तेरे सारे सवालों का जवाब मैं इकट्ठा तो नहीं दे सकती ना। जवाब नंबर वन, मुस्कान की फैमिली बिल्कुल अपसेट नहीं हुई। जब हम उसके घर पहुंचे तो उसकी माँ अकेली थी घर में। हमें वहां देखकर वो हैरान तो जरूर हुई थी, लेकिन जब हमने तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई तो उनके चेहरे पर खुशी की किरण देखी मैंने। और मुस्कान क्या 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 मुस्कान? मुस्कान थोड़ा शौक थी हमें वहां देखकर। अच्छा, कोई जवाब दिया क्या उसने? थोड़ा वक्त चाहती है वो। इसका मतलब उसका ने ना नहीं कहा? उसने ना नहीं कहा और मैंने उसे बता दिया। ये तो पूरी जिंदगी का फैसला है, अगर वो थोड़ा सा वक्त लेना चाहती है तो उसमें हर्ज क्या है? मुस्कान ने ना नहीं कहा। हेलो, मैं कम इन। अरे सुनी, तो हाउ कम? लगता है तुम्हें मुझे यहाँ देखकर ज्यादा खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट एकदम अचानक। तो भाई कभी कभी हमारा दिल भी करता है अचानक मिलने का, तो आई थॉट आई विल टेक यू फॉर अ ड्राइव। नो आई एम सॉरी, आई कांट कम, मुझे निखिल से मिलने जाना है। पुअर गाय, कितनी चोट आई है उसे। ही इज सो फुलिश, आई मीन क्या जरूरत थी उसे इतना ओवर रिएक्ट करने की? हाँ क्या कह रहे हो, एक तो उसे तुम्हारे फियांसे के लिए झगड़ा मोल लिया और तुम उसे ही पुलिस कह रहे हो। हाँ तो पर जरूरत क्या है उसे यार उन लफंगों के मुंह लगने की? जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो किया है निखिल ने। I just fail to understand, जब तुम्हारे सामने तुम्हारे फियांसे को कुछ लड़की छेड़ रहे हो तो तुम चुपचाप बैठ के देख कैसे सकते हो? You just didn't react at all. और जब निखिल ने रिएक्ट किया, उसने हिम्मत दिखाई तो उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो तुम, तो तुमने क्या किया? चुपचाप बैठ के तमाशा ही देखा ना? Sorry, I'm very disappointed in you. Agree. मैंने तुम्हें defend नहीं किया. I'm sorry. I really disappointed you. But let me make up for the day, okay? Let me take you for a drive. No, sorry, I can't come. मुझे निखिल से मिलने जाना है. कि निखिल के पास सोनिया है, उसका ध्यान रखने के लिए. सुनील, सोनिया के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? अरे वाह, सोनिया से ज्यादा इस वक्त निखिल की फिक्र और किसे हो? मुझे है। और एक बात याद रखना चाहिए, किसी का भी फियांसे होने से पहले मैं और निखिल दोस्त थे और हमेशा रहे। एंड निखिल नीड मी राइट नाउ। बहुत दर्द हो रहा है ना? खास नहीं।
किसने कहा था इतना इमोशनल होने के लिए? सुनिए, वो लोग निकी को छेड़ रहे थे। आई कुडंट टॉलरेट। ठीक है, फिर ये दर्द बर्दाश्त करो। हाय निखिल। हाय सोनिया, तुम यहाँ? मुझे तो यही होना चाहिए था, पर तुम यहाँ? निखिल, हाउ आर यू फीलिंग? बहुत दर्द हो रहा है ना? बाय द वे, थैंक यू सो मच निखिल। थैंक्स फॉर व्हाट? तुम्हें कोई छेड़ कर तो देखे, मैं उसे। क्या हुआ निखिल? मैंने तुम्हें बोला कि प्लीज तुम आराम करो, ज्यादा बात मत करो, डॉक्टर ने भी तुम्हें यही बोला है। प्लीज निखिल, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? नहीं निखिल, तुम बात मत करो, प्लीज आराम करो। निखिल, यू नो व्हाट, ऑफिस में तुम अच्छे खासे हीरो बन गए हो। वी ऑल आर प्लानिंग टू गिव यू हीरोज वेलकम व्हेन यू कम बैक। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। निखिल, तुम्हें नींद आ रही है? हाँ, वो डॉक्टर ने पेन किलर्स वगैरह दिया था ना। Get well soon, Nikhil. Okay? Bye. Bye, Sonia. Nikki, एक मिनट। मैं निखिल के बिहाफ से तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ कि तुम निखिल का हालचाल पूछते हो। सोनिया, यू डोंट हैव टू थैंक मी ऑन निखिल्स बिहाफ। और वैसे भी मैं और निखिल अपने सॉरी थैंक यू खुद ही हैंडल कर लेते हैं। ओह, आई सी। पर शायद तुम ये नहीं जानती कि मेरी और निखिल की बहुत जल्दी शादी होने वाली है, और उसके बाद निखिल की लाइफ को और उसके घर को हैंडल करने का हक खुद ब खुद मुझे मिलने वाला है। I know that very well, Sonia. वैसे तुम्हें दिन कितने हुए निखिल की जिंदगी में आके? क्या तुम ये बात भूल रही हो कि मैं और निखिल बहुत अच्छे दोस्त हैं? I know it very well, Nikki. पर तुम शायद ये नहीं जानती कि निखिल की जिंदगी में मेरी क्या जगह है। और वैसे भी दोस्ती का रिश्ता तो एक हद तक ही होता है ना। Don't try to teach me, Sonia. तुम तो निखिल को शायद इतनी अच्छी तरह जानती भी नहीं हो जितनी अच्छी तरह मैं जानती हूँ। So what? पूरी उम्र के बंधन में बनने जा रही हूँ मैं निखिल के साथ, इतनी जल्दी क्या है? जान लूंगी धीरे धीरे। Very good. फिर तो तुम धीरे धीरे ये भी जान लोगी कि निखिल की जिंदगी में मेरी क्या जगह है। वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ निखिल, कि तुम निखिल की बहुत अच्छी दोस्त हो, और शायद उसे कुछ ज्यादा। पर जो रिश्ता मेरा निखिल के साथ बनने जा रहा है, उस रिश्ते के आगे शायद बाकी के रिश्ते छोटे पड़ जाए। एंड आई बिलीव कि हर रिश्ते को अपने दायरे में ही रहना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो निखिल? तुम इतने शार्प और इंटेलिजेंट हो, इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ सकती? ठीक है, तो तुम ही समझा दो ना सोनिया। निखिल के लिए तुम्हारी पॉजिटिवनेस की वजह तुम दोनों की दोस्ती ही है? What else? Okay, okay. अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। But don't forget, बीवी के बंधन में बनकर मैं निखिल की जिंदगी में एक नया रिश्ता जोड़ने आ रही हूँ, वो भी एक बुरे हक के साथ। तो शायद पुराने कुछ रिश्ते वैसे ना रहे जैसे आज है। यस मैम, कैन आई हेल्प यू? मुस्कान मलिक जी वहाँ बैठी है। थैंक यू। मुस्कान बेटा, मुझे यहाँ भी देखकर तुम्हें हैरानी हो रही है। तुम्हारे काम के वक्त आकर मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बैठिए ना प्लीज। रोक नहीं पाई खुद को तुम्हें मिलने से। बेटा, पहले जो तुम्हारे साथ हुआ, हम लोग तुम्हारे दरवाजे से बारात लौटा के ले गए थे। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। शायद उस वक्त हमारे किस्मत में नहीं था कि तुम हमारे घर की बहू बनो।
जज साहब सीने पे। मुस्कान बेटा, मुझे हर पल यही लगता है कि आकाश ने बहुत नाइंसाफी की है तुम्हारे साथ, और उसकी सजा भी वो भुगत चुका है अस्मिता को खोकर। एक माँ का दिल अपने दिल से वो बोझ उतारना चाहता है। मुस्कान बेटा, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम अपने दिल में मैल मत रखना। आकाश बहुत अच्छा लड़का है, उसे अपनी गलती का एहसास है, वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। बेटा, मेरा दिल रोता है उसे अकेला देखकर, और मैं यही चाहती हूँ कि खुशियों की बहार उसकी जिंदगी में फिर से आ जाए। वो बाहर लाने वाली लड़की तुम हो मुस्कान, तुम हो। आंटी जी, मतलब मैंने कुछ सोचा, कुछ समझ में नहीं आ रहा आंटी जी। मैं बेटा मैं समझती हूँ, इतना आसान नहीं है ये फैसला करना, लेकिन बेटा तुम सोचो, भगवान ने तुम दोनों को फिर से मिलाया है, शादी की बात दोबारा से शुरू हो गई है, तो शायद ऊपर वाला भी यही चाहता है। पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है, कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में दोबारा आकाश जी से मिलूंगी। और उनसे मिली और जाना तो बहुत अच्छा दोस्त पाया हूं मैं। अचानक शादी की बात, मुस्कान, मुस्कान बेटा, मैं समझती हूँ तुम्हें वक्त चाहिए अपने दिल को मनाने के लिए, समझाने के लिए, मुझे मंजूर है। मुझे तो सिर्फ इसी बात की तसल्ली है कि तुमने सोचने के लिए वक्त तो मांगा। चलती हूँ, तू अपने क्लाइंट को अटेंड करना। नहीं आंटी जी, क्लाइंट्स तो आते ही रहते हैं, आप यहाँ पहली बार आई हैं, प्लीज ऐसे कैसे जा सकती है, बैठिए ना, प्लीज बैठिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, तुमने मेरी बातें तो सुनी। आकाश के बारे में सोचना, जरूर सोचना। जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें हर बात बताऊं। Anyway, if you really want to know, वो आकाश जी की माँ थी। पापा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आकाश का रिश्ता दोबारा आया है। माँ, मुस्कान दीदी को बस हाँ कर देनी चाहिए। पर बेटा, मुस्कान तो कह रही थी कि उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं होती ना तो वक्त भी नहीं मांगती, सीधा ना कह देती। जब दिल किया तब चले गए, शादी नहीं करनी, और जब दिल किया तो आ गए। आई वॉन्ट टू मैरी मुस्कान, ऐसे थोड़ी होता है। निकी, डोंट बी सो हार्श, कभी कभी इंसान के सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं। अरे राहुल, ये तो आपके बारे में भी यही कहती थी, अगर तेरी बात मानती ना तो मेरी शादी राहुल से कभी नहीं होती। हाँ तो ठीक है ना, कभी कभी ऐसे रॉन्ग जजमेंट हो जाता है। बस यही कहना चाह रहा था मैं, इंसान की एक गलती की वजह से उसे पूरी उम्र की सजा थोड़ी दे देनी चाहिए। अब अगर आकाश और उसकी फैमिली फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो सोच समझ के फैसला कर लेना चाहिए। क्यों नहीं तुझसे कि मुस्कान दीदी को आकाश के साथ शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आकाश से ही शादी करनी चाहिए। आकाश के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त उसी का रिश्ता है, तो हम उसी के बारे में सोचेंगे ना। और वैसे भी जीवन साथी के बिना मुस्कान दीदी अकेली पड़ जाएगी। क्यों अकेली पड़ जाएगी? भाई, मैं हूँ, मम्मी है, पापा है, आप है, सब है। है निकी, मगर हर रिश्ते की एक अपनी अहमियत होती है, और फिर जो प्यार एक जीवन साथी दे सकता है ना, वो कमी हम सब मिलकर भी पूरी नहीं कर सकते। खून का रिश्ता ना होते हुए भी सबसे गहरा और अटूट रिश्ता वही होता है।
मुझे लगता है मुस्कान दीदी को कंसिडर करना चाहिए आकाश का प्रपोजल। उसके पेरेंट्स खुद चल के आए हैं मुस्कान दीदी का हाथ मांगने के लिए। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्यों पापा, जिंदगी में किसी का हाथ थाम कर चलो तो हंसते हंसते जिंदगी कट जाती है, वरना कई बार जिंदगी की लंबी राहों में अकेलेपन का एहसास ही थका देता है। सही कह रहे बेटे। वैसे राहुल ठीक ही कह रहा है, भाई बहनों की अपनी अपनी दुनिया बन जाती है, और फिर माँ बाप वो कितने दिन, वो आज है कल नहीं है। क्या माँ बाप भी हर वक्त कुछ अलग ही टॉपिक पे बात करने लगती है। मैं क्या कह रही हूँ कि मुस्कान दीदी, आप भी वही डिसाइड करेगी। हाँ बोलिए। मम्मी ने बताया कि आकाश के पेरेंट्स आए थे। मुझे और काजल हम दोनों को ये बात बहुत अच्छी लगी। आकाश स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, डिग्निफाइड है। आपका क्या फैसला है? राहुल अब मैं इतनी जल्दी कैसे कुछ कह दूं? एकदम से इतना अनएक्सपेक्टेडली ये दीदी, कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली ही ऐसी खुशी मिल जाती है जिसे हमें हंसते हुए एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। नहीं कोई जरूरत नहीं दीदी, यू टेक योर ओन स्वीट टाइम। हाँ माँ, आज आकाश की माँ आई थी बुटीक में। आकाश की माँ आई थी? क्यों? मुझसे कहने कि मैं आकाश जी के बारे में सोचूं। अरे यही तो हम भी कह रहे हैं। तो आपने क्या कहा उनसे? वही जो मैं आप सबसे कहने वाली हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। ग्रांटेड ग्रांटेड, जितना वक्त चाहिए लीजिए। पर अब मेरा भी दिल करता है कि एक साली की शादी तो अटेंड करूं। चले निकी, जल्दी भजिया बना, बहुत भूख लग रही है। कौन मैं? हाँ? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं आते भजिया बनाने। अरे जान है बेटा, तू प्यास खाट में आती है। अरे क्या माँ, प्यास से रोना है पापा। आकाश की माँ मुस्कान से मिलने बुटीक में क्यों आई थी? क्या काम हुआ? कुछ कह रही थी कि आकाश के बारे में सोचना। क्या सोचने को कह रही थी वो? कहीं उनके दिल में? नहीं नहीं, लेकिन मुस्कान तो मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं। मैं किससे बात करूं? कौन है जो मुझे समझेगा? कौन है जो मुस्कान को समझाएगा? कौन? Who is it? राहुल, काजल, यस, उनसे बात करता हूं। वो डेफिनेटली मेरी बात को समझेंगे। वाह वाह, अक्षत साहब आए हैं, बैठिए। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैं तुम्हारे चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं थैंक्स। ओए तू इतना फॉर्मल कब से हो गया है? कुछ चाय नहीं तो कुछ ठंडा? नहीं राहुल, वो मैं तुम दोनों से कुछ बात करने आया हूँ। एक बात तो हमारे पास भी है तुम्हें बताने के लिए। यस तो बोलो। पहले तुम बोलो। तुम बोलो पहले। पहले तुम बोलो अक्षत। काजल पहले तुम बोलो। मैंने कहा लखनऊ के नवाबों, मैं फैसला करता हूँ। लेडीज फर्स्ट, काजल पहले तुम। ठीक है, एक गुड न्यूज है। खैर अभी तो शुरुआत ही हुई है, बट वी आर ऑल होपिंग कि ये बात पूरी हो जाए। अरे भाई ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम लोग इतनी गुड विशेस कर रहे हो? मुस्कान के लिए रिश्ता आया है आकाश का।